हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यूपी में अभी तक चल रहा है लॉकडाउन, मगर फिर भी पब्लिक आप देख सकते हो, काम करने वाले काम करने जा रहे हैं, कोई मना ही नहीं। आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, शॉप्स वगैरह सारी बंद हैं और एसेंशियल सामान मिल रहा है, और बिज़नेस तो मतलब एकदम पूरा ठप सा हो चुका है इस कोरोना काल के चक्कर में। सब परेशान हैं, तो सोचता हूँ कि केसेस वगैरह कम होंगे तो बहुत ही जल्दी जो है अनलॉक वन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी 1 तारीख से अनलॉक वन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और एक नई जो बीमारी आई है फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एंड कल एक न्यूज़ आई थी येलो फंगस। तो मतलब ये फंगस का पंगा अचानक से ऐसे मरीज़ उठ रहे हैं, तो ये व्हाट इज़ दिस, क्या है? कोरोना था, अब तो फंगस आ गया यार। मतलब आदमी किस किस चीज़ से, मतलब क्या क्या हो रहा है तो समझ में नहीं आया। प्रकृति का नियम, मतलब नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस नहीं लेना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो मैंने 2 दिन पहले कल ही बेसिकली प्लान बनाया था कि बाइक भेज दूंगा, बट काफ़ी सारे कस्टमर्स भी आ गए, कॉल्स भी किया उन्होंने कि भाई मुझे दे दो। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, समझ में क्या कुछ, मतलब मेरे दिल को भाई भी है गाड़ी आ रही है। पहले सोचा भेज दो, फिर सोचा ना बेचो, कंफ्यूजन थी, तो फाइनली डिसीज़न बना लिया कि अभी इसको नहीं बेचना है, अभी मूड नहीं है बेचने का। मतलब यार अगर ये बेच दूंगा तो इस रेंज में अगर दूसरी बाइक लेने जाऊंगा तो अभी जो कंडीशन चल रही है लॉकडाउन की, उस हिसाब से दूसरी बाइक अगर लेने जाऊंगा तो वो आई डोंट थिंक सो के मज़ा आएगा। तो मैंने कहा यही अपनी सही है, बढ़िया बाइक है। तो बात कर रहे थे हम लोग सिचुएशन की, बहुत ही जल्दी उभर जाएंगे सिचुएशन से, क्योंकि इकनॉमी भी देखना है बहुत ज़रूरी, बीमारी तो देखना है साथ में इकनॉमी भी देखना है, क्योंकि इकनॉमी कम हो जाएगी तो आगे हम लोग कैसे इस चीज़ से लड़ेंगे बीमारी से, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, बेफजूल सिक्योरिटी वगैरह आपके लिए इतनी लगाई गई है कि भाई उसमें निकलने का कोई मतलब नहीं है। कोरोना काल है, आप लोग घर पर बैठिए। कहीं रुकने की, भाई साहब देख सकते हैं पूरी मार्केट, मतलब इस टाइम पे थोड़ी बहुत शॉप्स ओपन हो जाती थी, साफ सफाई स्टार्ट हो जाती थी, बट लॉकडाउन की वजह से नहीं। कूड़े वाली गाड़ी, इसका गाना अगर आप लोगों ने सुना होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा गाना है। आपने ओ माय गॉड R1 वाले को देखो, मतलब इतनी तेज़ भाई साहब भागते हैं कि मतलब सबसे भयंकर राइडर यही है। हाँ, 192 हो गए हैं, अभी 7.2 हो जाएंगे के, तो 7.2 के हो जाएंगे, तो हम लोगों को जल्दी से
10K पे पहुँचाइए जल्दी से जल्दी, सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप लोगों को एक भी वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा। अभी तो मैं ऐसे ही ऑब्जर्वेशन ब्लॉग डालूँगा क्योंकि शॉप्स वगैरह स्टोर्स वगैरह शोरूम्स वगैरह खुले नहीं हैं, और क्या बोलते हैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि जाने की परमिशन है ही नहीं लॉकडाउन की वजह से। मतलब किसी के आगे जो है हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, अपनी मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना बिकेगा। दोपहर तक बेच के ये लोग चले जाते हैं, पूरा एकदम ठेला खाली। पुलिस की गाड़ी वहाँ, डॉगी ने क्या उठा लिया पैर, ई सी एस, बहुत दिनों के बाद सी एस देखी। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, क्लासिक गाड़ी है। पहले इंडिको चलती थी, अब सी एस चलती है उसकी जगह पे, सरकारी सेडान हो गई अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, आईडी पॉप अप हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी है आईडी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।